और लास्ट में हमने हेडिंग डाली थी डीएनए रेप्लिकेशन ना, बोलिए भाई। डीएनए रेप्लिकेशन हेडिंग डाली थी और वैसे काफी बातें डीएनए रेप्लिकेशन पे मैं कर चुका था आपको, कहिए याद दिला दूं कि इट इज बेस्ड ऑन टेम्पलेट थियरी एक बात है, डीएनए वर्क्स एज टेम्पलेट दूसरी बात है, The enzyme is called Kornberg enzyme या DNA dependent DNA polymerase कहते हैं। बोलिए, DNA dependent DNA polymerase कहते हैं। बोलिए वे, कोई confusion तो नहीं है इसमें? और इस तरह से ये ईशा, clear है बात? Yes sir, clear है। चलिए तो आगे बढ़ाते हैं बात को। एक बात मैंने कही थी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, चार बड़ी इम्पोर्टेंट बातें कही थी कि डीएनए रेप्लिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल, और ये बात क्यों? क्योंकि जब इसका टेम्पलेट यूनिडायरेक्शनल है, ऑलवेज क्लियर है, तो जो नया बनेगा वो किस दिशा में बनेगा? डीएनए 5 टू 10। दूसरा, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ये बात वॉटसन एंड क्रिक ने हमें बताई थी। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी डिसकॉन्टिन्यूअस, ये बात हमें बताई थी किसने? ओकाजाकी ने बताई थी। और डीएनए रेप्लिकेशन इज ऑटो कैटालिटिक, लेकिन एक बात याद रखिएगा, डीएनए कभी एंजाइम का काम नहीं करता, राइट ना? अब हमने लास्ट में हेडिंग डाली थी ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन। अब जरा बड़ी जनरल बातें हैं, और ये कॉन्सेप्ट अगर आप आज समझ लेंगे, हमें थोड़ा देर लग रही है पढ़ाने में, उसकी वजह है अगर ये कॉन्सेप्ट आज समझ लेंगे तो मास्टर की डिग्री तक आपको आगे जरूरत नहीं पड़ेगी कि डीएनए रेप्लिकेशन भी समझना पड़े। तो ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन दिस इज इम्पॉर्टेंट एक एक करके, और यह है, ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, डीएनए का मॉलिक्यूल है और ये रेप्लिकेशन करने जा रहा आफ्रा, और ये रेप्लिकेशन करने जा रहा, यह है इसकी ओरी साइट, और ये एक जगह है जहां से इसका रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। आप रेप्लिकेशन जिस जगह से स्टार्ट होता है उसका नाम है ओरी साइट। ओरी साइट यानी कहीं से शुरू नहीं हो सकता, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि कहां से शुरू होगा, राइट ना? डीएनए रेप्लिकेशन तो दो बातें इम्पोर्टेंट है। ओरी साइट इसके बारे में देखिए, मुझे लिखना चाहिए कि DNA replication starts from oocyte. मैं उसके अपोजिट लिख रहा हूँ कि oocyte वो जगह है जहाँ से DNA replication शुरू होता है। तो oocyte के बारे में देखिए क्या लिख रहा हूँ। Determines oocyte determines the place from where, मैं पॉइंट भी कह सकता था, फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जिस जगह से रेप्लिकेशन शुरू होगा उसको कहते हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरी साइट। तो मैं क्लास ले रहा हूँ उनसे, को लाइन खींच के बाहर से ले आऊ, वो मैं सोच रहा हूँ यहीं लगे, ठीक है? हाँ, उनको एक बार बुला दो तो मैं बता दूं। तो मैं ये कह रहा था, हेलो, कि मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? मेहमान तो डिटरमिन्स द प्लेस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट्स, जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है उसको कहते हैं। और ये एक चीज और इम्पोर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा, it also determines the
determines that it also determines that or ye decide that how many times this DNA will replicate. दो बातें ध्यान में रखिएगा, ये डीएनए कितनी बार रेप्लिकेशन करेगा ये भी यही डिसाइड करेगा ओरिसाइट, और कहां से करेगा ये भी डिसाइड करेगा क्या ओरिसाइट। तो डीएनए रेप्लिकेशन ये, बल्कि दोनों बातों को लेकर मैं एक कंक्लूजन निकालूं, और कंक्लूजन ये निकालते हैं कि इफ ओरिसाइट इज एब्सेंट और डैमेज्ड। आगे की बात आप खुद ही बताइए। मोहिनी अनंत बोलिए, आगे की बात बताइए। इफ ओरिसाइट इज एब्सेंट और डैमेज्ड नो रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है, ओके ना। देन नो रेप्लिकेशन, तो ओरिसाइट का इम्पोर्टेंस आपको समझ में आया। ओरिसाइट का एक बात और इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा, a part of DNA। एक मिनट आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे कि मुझे इंटरनेट लगाने वाले लोग आए हैं, मैं दो मिनट साइट बता दूं प्लीज।
हेलो, आवाज आई मेरी? यस सर। अरे क्या बताएं, आजकल जो है मुझे लगता है खाने पीने से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इंटरनेट। हेलो, आजकल तो हर काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है इंटरनेट। तो इधर कुछ सर्विसेज डिस्टर्ब थी एयरटेल ब्रॉडबैंड की, तो हमने सोचा एक दूसरा और ऑप्शन के तौर पे लगा दें। तो हम लोग कह रहे थे कि अगर किसी की ओरी साइड डैमेज हो जाए तो देन दिस विल बी कॉल्ड एज वो डीएनए नहीं। लास्ट में हम लिख रहे थे ये एक ओरी साइट, ये एक ओरी साइट है और यहाँ से रेप्लिकेशन होना शुरू हो गया और ये रेप्लिकेशन यहाँ तक होके बंद हो गया। तो एक ओरी साइट से जितने डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसे कहते हैं, उसे दैट इज कॉल्ड एज, और ये कहा जाता है कि इसे कहते हैं एक रेप्लिकॉन। क्या कहते हैं? ए पार्ट ऑफ डीएनए रेप्लिकेटेड बाय वन ओरी साइट, बाय वन ओरी साइट, एक ओरी साइट से जो हो जाएगा इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे? रेप्लिकॉन कहते हैं, रेप्लिकॉन कहते हैं। ओके, हेलो, सुन रहे हैं बेटा? हाँ वो लगा। तो इंटरनेट ये कह रहे थे रेप्लिकॉन कहते हैं, तो ये रेप्लिकॉन हो गया, ये ओरी साइट और ये रेप्लिकॉन। कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? कंफ्यूजन नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, तो एक पॉइंट और लिखना है, डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी फास्ट प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी फास्ट प्रोसेस, ये बहुत फास्ट प्रोसेस है, बाय एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एक बहुत ही फास्ट एंजाइम है और उससे होता है। लेकिन एक बात बताइए शिरीष, आफ्रा, ये बताइए डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो किस पे डिपेंड करता है? कितना भी फास्ट हो, डीएनए अगर लंबा ज्यादा होगा तो, डीएनए लंबा ज्यादा होगा तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, और डीएनए कम लंबा होगा तो टाइम कम लगेगा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल नोट करके तब आपसे चाहूंगा कि आप इस पे कमेंट करिए। और एक एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया है ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया, इसमें डीएनए है 4.6×10^6 बेस पेयर्स, आपको याद है या नहीं? और एक ह्यूमन सेल में जो डीएनए है वो है दैट इज 6.2×10^9 बेस पेयर्स। ये बताइए ह्यूमन बीइंग का डीएनए और एस्चेरिचिया कोलाई के डीएनए से कितना लंबा है? 1000 गुना है कि 1000 times 1000? ये 10^6 है, ये 10^9 है, कितने का डिफरेंस है? 1000 times का। यहाँ और सुनिएगा, ये जो डीएनए है इट रेप्लिकेट्स इन 18 minutes, और ये 18 मिनट में रेप्लिकेट कर जाता है, और ये तो रेप्लिकेट कर जाता है, राइट ना? ये बताओ, कैलकुलेट करके अंदाजा लगा के बताओ, इट रेप्लिकेट्स इन हाउ मच टाइम, ये कितना टाइम रेप्लिकेट्स इन, बोलिए कितना समय लगेगा? ये 18 मिनट से कम लगेगा, 18 मिनट से ज्यादा लगेगा? आप कहोगे ये कोई पूछने वाली बात है, 18 मिनट से तो ज्यादा लगेगा ही लगेगा। मोहिनी, कितना समय लगेगा बता सकते हैं? कितना समय लगेगा?
आप कहोगे देखे हम जानते हैं आप अभी कैलकुलेशन कराओगे तो बहुत ज्यादा आएगा, 1000 गुना ज्यादा आ जाएगा, तो 1000 गुना ज्यादा तो ठीक नहीं लग रहा है। और रेप्लिकेट्स इन 7 आवर्स और 7 घंटे में रेप्लिकेट कर जाता। मुझे जल्दी से बताइए मोहिनी कि ये 7 घंटे का टाइम में कैसे, क्या कहोगे, क्या कमेंट करोगे इस पे, क्या इंफॉर्मेशन आप दोगे यहाँ पे? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे देखिए ह्यूमन सेल का डीएनए अनुमान के अकॉर्डिंग ज्यादा समय तो ले रहा है, ये बात ठीक है, डीएनए ज्यादा है, ज्यादा समय लगेगा, क्यों भी अफरा ज्यादा समय है, लेकिन दूसरा सवाल ये है क्या आपको लगता है जितना ये गेस आप कर रहे थे उससे टाइम ज्यादा लगा या कम लगा? बोलिए बोलिए भाई। अरे भाई ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं ये 18 मिनट को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 18000 मिनट्स आ जाएंगे, और उसको अगर 60 से डिवाइड कर दें, अगर मैं 60 से डिवाइड कर दें तो ये आवर्स में आ जाएगा, तो ये जो है 60 अपान है, और ये उनसे कहो 20 मिनट रुक जाए अभी, तो ये डिवाइड करो तो करीब 300 आवर्स आ रहे हैं कि नहीं? 300 ये बताओ कैलकुलेशन के हिसाब से ह्यूमन बीइंग के एक सेल के डीएनए को कितने आवर्स में होना चाहिए था? 300 आवर्स में, और हो कितने घंटे, और हुआ कितने घंटे में? 7 आवर्स। और ये बैक्टीरिया का डीएनए कितनी देर में? 18 मिनट में। तो आप एकदम समझ के बचा के अपना सेंटेंस बताओ क्या होगा। आप कहोगे ह्यूमन सेल का डीएनए ज्यादा है, ज्यादा समय लेता है, 7 आवर्स में हुआ, लेकिन जितना मेरा अनुमान था उससे कम हुआ। नहीं, अनुमान कितने का था? 300 घंटे का, और हो कितने में गया? 7 घंटे। क्या वजह होगी, इसका रीजन क्या बताओगे, इसका रीजन क्या बताओगे? ध्यान से सुनिएगा आप, रीजन क्या बताएंगे आप, और उसका रीजन क्या है? ये है मेरे पास एक डीएनए, और ये यहाँ से ये एक डीएनए है, और ये इसकी ओरी साइट है, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, यहाँ तक रेप्लिकेशन। मेरे पास एक दूसरा डीएनए है ये, और ये डीएनए है, दिस इज ये डीएनए है, और डीएनए है तो ये डीएनए, दिस वन इज ये डीएनए। इस पे ध्यान से सुनिएगा, इस पे कोरी साइट ये है, इस पे एक कोरी साइट ये है, और इस पे एक कोरी साइट ये है। आप कहोगे अच्छा तो यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, यहाँ तक हुआ, यहाँ से रेप्लिकेशन शुरू हुआ, यहाँ तक हुआ, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ तक हुआ। ये बताओ इस पूरे डीएनए पे, इस पूरे डीएनए पे कितने रेप्लिकॉन हैं? इस वाले डीएनए के बारे में बात कर रहा हूँ, 3 रेप्लिकॉन हैं। बोलिए, एक कोरी साइट से जितना डीएनए मल्टीप्लाई होता उसे कहते हैं एक रेप्लिकॉन, एक कोरी साइट एक रेप्लिकॉन, एक कोरी साइट एक रेप्लिकॉन, एक कोरी साइट एक रेप्लिकॉन। इस पूरे डीएनए पे कुल कितने रेप्लिकॉन है? बोलिए भाई मोहिनी। पूरे डीएनए 3 है, 3 है। यस सर। और इस डीएनए पे कितने रेप्लिकॉन है? 1। तो ये बताइए इस डीएनए को क्या कहा जाएगा? मोनोरेप्लिकॉनिक। क्या कहा जाएगा? मोनोरेप्लिकॉनिक डीएनए। इस डीएनए को क्या कहेंगे? दैट विल बी कॉल्ड एज मल्टी रेप्लिकॉनिक डीएनए। मल्टी रेप्लिकॉनिक डीएनए कहा जाएगा, मल्टी रेप्लिकॉनिक डीएनए। बोलिए। हेलो
यस सर। मल्टी रेप्लिकॉनिक डीएनए कहा जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या आपको? मल्टी रेप्लिकॉनिक डीएनए कहा जाएगा और एक को मोनो रेप्लिकॉनिक। ये जो डीएनए है, ये डीएनए जो है दिस डीएनए इज यूकैरियोटिक डीएनए। ये यूकैरियोटिक डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए। और ये वाला डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए। ये बताओ बैक्टीरिया के डीएनए पे प्रोकैरियोटिक डीएनए है बैक्टीरिया। एक क्वेश्चन बताइए जल्दी से मुझे, क्वेश्चन बताइए। ये एक बैक्टीरिया की सेल है, ये उसका डीएनए है। ये बताओ इस डीएनए पे कितनी ओरी साइट्स हैं? कितनी ओरी साइट्स? एक ओरी साइट होगा। तो बैक्टीरिया के डीएनए पे एक ओरी साइट होता। जल्दी से ये बताओ, ये बताइए कि प्रोकैरियोटिक डीएनए जल्दी रेप्लिकेट हो जाएगा कि यूकैरियोटिक डीएनए? यूकैरियोट। मुझे लगता है कि यूकैरियोट वाला उम्मीद से जल्दी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ओरी साइट को शुरू करके इतना लंबा डीएनए बनाना है धीरे धीरे। ये इतना बनाएंगे, ये इतना बनाएंगे, ये इतना बनाएंगे, तो आपको लगता नहीं कि जल्दी जल्दी हो जाएगा? बोलिए। एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मुझे बताइए। ये बताइए एक डीएनए पर, ध्यान से सुनिएगा, एक डीएनए पे मैंने जगह जगह कई पॉइंट्स पे रेप्लिकेशन होते देखा है, बताइए वो यूकैरियोटिक डीएनए की प्रोकैरियोटिक डीएनए? यूकैरियोटिक डीएनए। एक बात बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक डीएनए एंड यूकैरियोटिक डीएनए? बोलिए। एक मल्टी रेप्लिकॉनिक है, दूसरा मोनो रेप्लिकॉनिक। बताइए बैक्टीरिया के एक डीएनए पे कुल कितनी ओरी साइट होती हैं? एक ओरी साइट होती है, एक ओरी साइट होती है। अब बताइए कि ह्यूमन डीएनए आपके अनुमान से भी कम समय, हमें 300 घंटे के बजाय 7 घंटे में काम हो गया, इसका रीजन क्या बताओगे भाई? इसका रीजन बताओगे, यहाँ लिखोगे यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेट्स वेरी रैपिडली बहुत तेजी से रेप्लिकेट करता है, वेरी रैपिडली, बिकॉज ऑफ मल्टी रेप्लिकॉनिक नेचर। भाई जगह जगह से टुकड़े टुकड़े करके डीएनए रेप्लिकेट कर लिया और इस तरह से कहीं। इसका मैं एक एग्जांपल बताऊं, जब आप घर पे पढ़ना शुरू करते हैं, होम स्टडी करते हैं, तो आप पहले फिजिक्स पढ़ते हैं, फिर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर जूलॉजी पढ़ते हैं, बॉटनी के नौबत आते आते तक टाइम खत्म हो जाता है, रोज टाइम कम पड़ जाता। नहीं शरीश? शरीश? यस सर। रोज टाइम कम पड़ जाता किसी न किसी एक सब्जेक्ट के लिए, इसका क्या उपाय है? रोज किसी ने, आप पहले बॉटनी शुरू कर दोगे तो फिजिक्स नहीं कर पाओगे। बोलिए इसका क्या उपाय है? कोई उपाय है क्या? आफरा टाइम रिड्यूस कर दे। नहीं, मुझे एक उपाय समझ में आ रहा है, कि एक काम करें कि जो है ये जूलॉजी बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप खुद ही पढ़ डालो, बॉटनी माता जी को दे दो वो पढ़ डालें, है या नहीं? और केमिस्ट्री छोटा भाई टिपे टिपिर बोलता रहता है, उसे दे दो कि तुम पढ़ डालो, और फिजिक्स पिताजी को दे दो कि वो पढ़ डालें, बहुत जरा पढ़ के दिखावें, बहुत टेंशन पाले रहते हैं, तो इस तरह से। क्यों भाई आफरा, अगर ऐसा हो जाए ये चारों सब्जेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको, काम पूरा हो जाएगा? बोलिए। नो सर। यस सर। 2 घंटे में काम पूरा हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन का पैटर्न इसे अलाउ नहीं करता।
एग्जामिनेशन का पैटर्न कहता है कि आपका नेचर मोनोरेप्लिकॉनिक है, आप ही शुरू करोगे, आप ही खत्म करोगे, बोलिए आप ही खत्म, वरना कितना अच्छा होता, पिताजी फिजिक्स पढ़ डालते, माताजी बॉटनी पढ़ डालती है या नहीं, जूलॉजी तो खुद ही पढ़ डालते, केमिस्ट्री किसी और से पढ़वा लेते, और केमिस्ट्री खास तौर से कई रिश्तेदार हैं जो टिपिर टिपिर बोला करते हैं, उनसे कह दो ये लोग केमिस्ट्री पढ़ के दिखाओ, है या नहीं, तो काम जल्दी पूरा हो जाता। लेकिन हमें लगता है कि हमारे लिए अलाउड नहीं है, ये यूकैरियोटिक डीएनए मल्टी रेप्लिकॉनिक, ये मोनो रेप्लिकॉनिक, तो हमारी एजुकेशन का पैटर्न मोनो रेप्लिकॉनिक की मल्टी रेप्लिकॉनिक है, मोनो रेप्लिकॉनिक है कि आप ही शुरू करोगे, आप ही खत्म करोगे, है या नहीं, तो इस तरह से एक जगह से शुरू होगा फिर वहीं पे खत्म होगा। तो ये बताइए, एक दो सवाल फिर बता देते हैं, एक डीएनए को मैंने कई जगहों पे रेप्लिकेशन करते देखा है, बताइए यूकैरियोट की प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। दूसरा सवाल बताइए, एक डीएनए यूकैरियोटिक डीएनए का अमाउंट ज्यादा होने के बावजूद भी हम उसका रेप्लिकेशन थोड़ा कम समय में हो जाता है, रीजन बताइए क्या है, मल्टी रेप्लिकॉन का कोई डीएनए बताइए जिस डीएनए पे एक से ज्यादा ओरिसाइट मौजूद हो, तो कौन सा डीएनए होगा वो, यूकैरियोट्स, कौन सा डीएनए, यूकैरियोट्स का डीएनए मल्टी रेप्लिकॉनिक होगा, और इस तरह से ओके ना। एक और बात इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है मल्टी रेप्लिकॉनिक और मोनो, आप मेरी बात सब समझ गए, क्लियर हो गई आपको। एक पॉइंट पर और आते हैं, और ये तो मैंने आपसे कर लिया कि ओरिसाइट ये डिसाइड करेगा कि कहाँ से रेप्लिकेशन होगा। चलिए एक बार फिर मैं वहीं पे आ गया, ये मेरे पास एक डीएनए है, ये मेरे पास एक डीएनए है, और डीएनए है, ये डीएनए मैंने लिया, और ये है इसकी ओरिसाइट, ये है इसकी ओरिसाइट, ओके ओरिसाइट। ये बताओ डीएनए का रेप्लिकेशन इस साइड होगा कि इस साइड होगा, कि एक साइड होगा, क्या डिसाइड करना है, ओरिसाइट के रेप्लिकेशन किस तरफ होगा, एक ही तरफ होगा या ऑलवेज एक ही तरफ होगा, दोनों तरफ होगा, क्या होगा, और इस बोलिए भाई कुछ बताइए आफरा। और ये है, यहाँ सुनिएगा एक बार, मैं लिख रहा हूं और लिखने के बाद आपसे पूछूंगा कि समझ में आई बात की नहीं, लिख रहा हूं कि रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कैन टेक प्लेस, कैन टेक प्लेस, टेक प्लेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ, ऑन बोथ साइड्स ऑफ, और दोनों साइड्स में हो सकता है, किसके, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ओरिसाइट, ओरिसाइट के दोनों साइड हो सकता है, ऑन ओरिसाइट, बट मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तब ये सेंटेंस पूरा करूंगा, ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और तब ये सेंटेंस पूरा करूंगा। ये बताइए आप अपने मोहल्ले से, ये अपने मोहल्ले से निकल के मेन रोड पर आए, ये बताइए आप दाहिने भी जा सकते हैं, बाएं भी जा सकते हैं, रोड पे आए, रोड पे, लेकिन ये बताइए क्या दोनों तरफ जाएंगे, दोनों तरफ जाएंगे, बोलिए, एक समय में जाएंगे तो एक ही तरफ, बोलिए भाई, यस सर, एक तरफ, जैसे मान लीजिए कोचिंग की सीढ़ी है, आप जो है ऊपर से नीचे भी जा सकते हैं, उसपे नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं, किसी स्टूडेंट का मैं हाथ पकड़ लूं और पूछूं कहाँ जा रहे हो, तो क्या कहेगा, ऊपर नीचे जा रहे हैं, नहीं, वो हमें एक बात बताएगा, या तो ऊपर जा रहा होगा या नीचे जा रहा होगा, जा तो सकता है दोनों, इसमें कोई दो राय नहीं सीढ़ियों से, लेकिन और ये, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ओरिसाइड, बट टेक्स प्लेस ऑन आइदर साइड, ऑन आइदर साइड
sight either sight sorry ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई either sight sight at a time एक समय में एक ही तरफ होगा. मेरी बात आपको क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? Yes. बोलिए. एक समय में एक ही तरफ होगा लेकिन होने को हो सकता. तो ये कंडीशंस पे डिसाइड करेगा ये कैसे होगा. अगर आपको यहाँ देख के कुछ कहना हो तो कह डालिए. ये ओरी साइट है देखिए रेप्लिकेशन डाउनवर्ड हो रहा. ये ओरी साइट है देखिए रेप्लिकेशन अपवर्ड हो रहा. ये ओरी साइट है देखिए रेप्लिकेशन अपवर्ड हो रहा. बताइए रेप्लिकेशन एक समय क्या ऐसा हो सकता है कि इस ओरी साइट से इधर भी हो जाए और इधर भी हो जाए. हो सकता है लेकिन होगा एक समय में एक ही तरफ. ओके मेरा सेंटेंस क्लियर हो गया. फिर से बताइए रेप्लिकेशन किस साइड में होगा. तो इट विल टेक प्लेस फ्रॉम द इट कैन टेक प्लेस ऑन बोथ साइड्स बट एट ए टाइम टेक्स प्लेस ऑन आइदर वन साइड. अच्छा ये भी डिसाइडेड नहीं है कि ये अपवर्ड डाउनवर्ड लेफ्ट राइट और तो ये सब डिसाइडेड नहीं है लेकिन विल टेक प्लेस ऑन वन साइड एट ए टाइम. ओके तो दोनों सेंटेंस कहते समय ध्यान में रखिएगा. ये बताइए दोनों तरफ हो सकता है कि एक ही तरफ हो सकता है. एक ही तरफ नहीं दोनों तरफ हो सकता है. एक समय में एक तरफ होगा कि दोनों तरफ होगा. एक तरफ होगा लेकिन कैन टेक प्लेस ऑन बोथ साइड्स दोनों साइड्स पे हो सकता है. क्लियर है मेरी बात. बोलिए भाई. तो ये आपने एक बड़ी बात कह दिया कि कैन टेक प्लेस ऑन आइदर साइड. ओके ओरी साइड से शुरू होगा राइट ना. एक और बात यहाँ लिख दें तब आगे बढ़ें. और यह है फॉर रेप्लिकेशन मेनी एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड और कई एंजाइम्स चाहिए. मेनी एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड ब्रैकेट में लिख रहा हूं लगभग 13 एंजाइम्स चाहिए. मेनी एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड कॉल्ड रेप्लियोसोम उसे रेप्लियोसोम कहते हैं. फिर से बताइए क्या कहते हैं. रेप्लियोसोम कहते हैं. फिर से बताइए डीएनए का वो पार्ट जो एक ओरी साइड से रेप्लिकेशन करेगा उसका क्या नाम है. रेप्लिकॉन उसे क्या कहते हैं. बोलिए उसे क्या कहते हैं. ये रेप्लिकॉन कहते हैं. डीएनए का रेप्लिकेशन जहां से शुरू होगा उसे क्या कहते हैं. ओरी साइट कहते हैं. क्या कहते हैं. ओरी साइट कहते हैं. एक पॉइंट. दूसरे ये बताइए डीएनए रेप्लिकेशन कराने के लिए 13 एंजाइम्स का एक समूह चाहिए उसे क्या कहते हैं. रेप्लियोसोम. क्या कहते हैं. रेप्लियोसोम. आप कहोगे एक काम करिए जरा दो चार एंजाइम्स के नाम बताइए जो आप कह रहे हैं. दो चार एंजाइम्स के नाम बताइए. तो मैं एक एक करके लिख रहा हूँ दो चार एंजाइम्स के नाम लिख रहा हूँ. जैसे एग्जाम्पल बताइए एक एंजाइम है और उसका नाम है हेलिकेज. एक एंजाइम और है उसका नाम है टोपो आइसोमरेज एंजाइम. इन सारे एंजाइम्स की मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ उसके बाद इनके एक एक करके काम डिस्कस करूँगा और लास्ट में चल के मैं दो एंजाइम्स के बारे में चर्चा भी करूँगा. एक है टोपो आइसोमरेज और एक टोपो आइसोमरेज चाहिए. एक एंजाइम और चाहिए एंड दैट इज और एंजाइम है उसका नाम है प्राइमेज एंजाइम चाहिए. एक एंजाइम और चाहिए और वो है दैट इज फॉस्फोराइलेज एंजाइम चाहिए. एक एंजाइम और चाहिए फॉस्फेटेज एंजाइम चाहिए. कौन सा एंजाइम चाहिए.
फॉस्फेटेज एंजाइम, एक एंजाइम में और चाहिए और दैट इज दैट विल बी एंजाइम जो होगा प्राइमेज फॉस्फोराइलेज फॉस्फेटेज, एक एंजाइम और चाहिए दैट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम चाहिए। कहीं मैं इस एंजाइम को कह चुका हूँ, खुराना ने डिस्कवर किया था, हरगोविंद खुराना ने, खुराना एंजाइम कहते हैं। हमें एक एंजाइम और चाहिए, ये सारे एंजाइम्स तो चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम वो चाहिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बोल दीजिए? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम मैंने कॉमन क्या रखा था? कॉर्नबर्ग एंजाइम, याद है? Yes. आपको आपको कि आपने तो साथ ही लिखा, आप तो कह रहे थे 13। तो ये जरा देखते हैं, हमें टोपो आइसोमरेजेस चाहिए, हमें प्राइमेजेस चाहिए, डीएनए पॉलीमरेजेस हैं। तो अब तो आपको लग गया होगा कि 13 एंजाइम्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अब ढेर सारे डीएनए पॉलीमरेजेस, ढेर सारे हमें चाहिए क्या कि जो है प्राइमेजेस, हमें टोपो आइसोमरेजेस कई चाहिए, इस तरह से ये था। तो हमने पूरी लिस्ट तो नहीं बनाई, लेकिन एक कॉमन लिस्ट बनाई, उसमें से भी हम बार बार चर्चा इसी एक एंजाइम की करते रहे हैं। बोलिए, तो इसी एक एंजाइम के करते रहे हैं। जरा यहाँ पे हम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से शुरुआत कर रहे हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम से। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ी सी आउटलाइन बनाई जाए, आउटलाइन बनाई जाए, और आउटलाइन डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है। आपको कहोगे देखिए डीएनए रेप्लिकेशन के लिए ये है डीएनए, और डीएनए पर डीएनए बनाने के लिए पहले मुझे डीएनए ओपन करना होगा। क्यों ओपन करना होगा भाई? क्योंकि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए हमें एज ए टेम्पलेट यूज करने के लिए। बोलिए, डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड चाहिए फॉर द टेम्पलेट। तो डीएनए पहले ओपन किया जाए, डीएनए पहले ओपन किया जाए, राइट ना? और ये काम डीएनए ओपन करने का काम हेलिकेज एंजाइम करेगा, हेलिकेज एंजाइम करेगा। ये जो मैंने डीएनए लिया है, ये एक रेप्लिकॉन है, ये इसकी ओरिसाइट है। कहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा? ओरिसाइट से। और कहाँ तक जाएगा? पूरे रेप्लिकॉन के एंड तक जाएगा, डीएनए रेप्लिकेशन शुरू हो गया। ओके, और इसको सबसे पहला काम कौन करेंगे? ओपन। ये बताइए डीएनए ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे कुछ खास नहीं, डीएनए के दोनों धागों के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दीजिए। बोलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो हेलिकेज एंजाइम, और इसने एक समस्या आ गई हेलिकेज एंजाइम के बारे में। मैं फिगर आगे बनाऊंगा, लेकिन पहले समस्या लिख लूं, और समस्या ये लिख लूं कि ये जो हेलिकेज एंजाइम है, हेलिकेज एंजाइम एंजाइम में ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, ब्रेक्स हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड टू ओपन द डीएनए, टू ओपन डीएनए एज ए सिंगल स्टैंडर्ड, एज ए सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट, इसको ओपन करना है एज सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट के तौर पे। बोलिए, तो टेम्पलेट के तौर पे ओपन करना है। सो हेलिकेज इज कॉल्ड, सो हेलिकेज इज कॉल्ड, हेलिकेज एंजाइम का मैंने नाम रखा अनवाइंडेज। आप कहते हैं डीएनए आपस में बंधा हुआ है, तो डीएनए को ओपन करने को अनवाइंडिंग कहते हैं, इसलिए डीएनए ओपन करने को क्या कहते हैं? अनवाइंडिंग कहते हैं। तो हेलिकेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके कॉल्ड अनवाइंडेज एंजाइम।
क्या कहते हैं, अनवाइंड बेस एंजाइम कहते हैं। और फॉर एक्शन ऑफ हेलिकेज, हेलिकेज के एक्शन के लिए, फॉर एक्शन ऑफ हेलिकेज लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड। और ये मैंने बहुत बड़ी बात कह दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड, ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दिया। और इस तरह से क्या कह दिया ये मैंने इंपॉर्टेंट बात, हेलिकेज एंजाइम लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी इज रिक्वायर्ड, और ढेर सारा एटीपी चाहिए, तो एटीपी इज रिक्वायर्ड। और ये था, तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी, और आगे लिखे विच सेल कैन नॉट सप्लाई एट वंस, विच सेल कैन नॉट सप्लाई एट वंस। और यही दिक्कत हो गई। क्या कह रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक डीएनए को ओपन करना था, इसको ओपन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एटीपी चाहिए, और सेल इज नॉट रेडी टू प्रोवाइड, और सेल रेडी नहीं है प्रोवाइड करने के लिए। तो देन आप मुझे बताओ कि अगर सेल रेडी नहीं है प्रोवाइड करने के लिए तो क्या होगा, टुकड़े टुकड़े इंस्टॉलमेंट में लेते रहिए, टुकड़े टुकड़े इसको ओपन करते रहिए, और क्या कर सकते हैं। बोलिए भाई आफरा। yes, आफरा, तो टुकड़े टुकड़े लें, जैसे मान लीजिए जब आपको कोचिंग करनी थी तो आपने बताया कि भाई 2 लाख रुपए फीस लगेगी, राइट ना, और इसके अलावा जो है करीब 1.5 लाख रुपए खाने पीने का लगेगा लखनऊ में, इसके अलावा करीब 50,000 रुपए का हमें मोबाइल खरीदना है, करीब 50,000 रुपए का हमें जो है लैपटॉप खरीदना है, फिर आपने बताया कि करीब 50,000 रुपए के 2 दर्जन जीन्स और जूते खरीदने हैं, ये सब आपने बताया। जब आपने इतना बड़ा बजट बनाया, 5 लाख रुपए का बजट, तो पिताजी क्या कहेंगे, बेटा ऐसा करते हैं अगले संडे को इस मुद्दे पे चर्चा करते हैं, और हमें लगता है फिर नौबत ही नहीं आएगी, वो संडे ही नहीं आएगा कि जब आप इस पे डिस्कशन करो। तब आपने दूसरा तरकीब निकाला, एक काम करिए 20,000 रुपए दे दीजिए और कोचिंग शुरू कर देते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट पे देते रहेंगे, ये काम भी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देते रहिए तो काम चलता रहता है। और मुझे लगता है सबका काम इसी तरह से चला भी है, कि एक मुश्त पैसे मिले थे सबको। बोलिए, तो बोलिए भाई, किसी भी काम को करने के लिए क्या आपको लगता है इतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एक साथ रिलीज हो पाएगा? नहीं। सरकार कोई बिल्डिंग बनवाती है तो पहले 10% पैसा देती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे देती है, तो हम चाहते क्या है, आप धीरे धीरे काम करिए, पूरा एक साथ काम नहीं करिए, ओके ना। बोलिए, तो अब क्या करेंगे, डीएनए का ये थोड़ा सा ओपन हो गया, और अभी अब जब फिर एनर्जी मिलेगी तो ओपन होगा, फिर एनर्जी मिलेगी तो ओपन होगा, तो जितना पार्ट एक बार में ओपन हो गया उसे कहते हैं वन निक, क्या कहते हैं, निक कहते हैं, एक निक कहते हैं, जितना ओपन हो गया। जैसे मान लीजिए अगर धागा रखा हो और उलझ जाए, धागा रखा हो और इस तरह से उलझ जाए मान लीजिए, तो आप उसे क्या करते हैं, तो धीरे धीरे सुलझाना शुरू करते हैं, जहां तक सुलझ जाएगा ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं है तो वहीं से तोड़ देते हैं, तो उतना जितना एक बार में आप सुलझा पाए, दैट विल बी कॉल्ड एज वन निक, उसे क्या कहेंगे, एक निक कहेंगे।
एक बार में जितना डीएनए सुलझा क्या कहते हैं तोड़ पाए, ओपन कर पाए, दैट इज कॉल्ड एज वन निक। एक समस्या और हो गई, और वो समस्या ये हो गई कि यहाँ पे देखते ये जो किसी रस्सी को जब आप ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा रस्सी ओपन करने के बाद उसके छल्ले बन जाते हैं, ऐसे 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 ये छल्ले बन जाते हैं। तो इसको आप कहते भी हैं, हिंदी में एक मुहावरा कहा जाता है कि रस्सी जल जाती है तब भी ऐंठन नहीं जाती है। कहा है, सुना भाई शिरीष? यस सुना। और जब रस्सी की ऐंठन नहीं जाती, ये तो डीएनए है, आपको लगता है डीएनए की ऐंठन जाएगी? नहीं जाएगी। डीएनए की ऐंठन रस्सी की नहीं जा रही है तो डीएनए तो डीएनए है, उसकी ऐंठन कैसे जा सकती? बोलिए भाई शिरीष, सर नहीं जाएगी। तो ये जब हेलिकेज एंजाइम डीएनए को ओपन कर देगा तो छोटे छोटे छल्ले बन जाएंगे, उन्हीं छल्लों को क्या कहते हैं? सुपर क्वाइल्स। ये बताइए, आपको डीएनए पे रख के डीएनए बनाने के लिए डीएनए सीधा सीधा चाहिए या छल्लेदार भी चल जाएगा? आपको अगर सीधा चाहिए, मैंने एक दिन फोटोकॉपी कराने के लिए आपसे कहा था कि एक पेज मोड़ के मैंने आपको दे दिया, बताइए अब आप फोटोकॉपी करा लेंगे क्या? आपको नहीं, पहले हम इसको सीधा करेंगे तब उसके बाद फोटोकॉपी कराएंगे। बोलिए। सर तो ये बताइए, डीएनए ये जो छल्ले बन गए ये काम आ जाएंगे कि इसको पहले सीधा किया जाए? और सीधा करने का आसान तरीका क्या दिख रहा है? सीधा करने का एक बहुत आसान तरीका मुझे दिख रहा है, और आसान तरीका ये दिख रहा है कि इसको यहां से तोड़ दें, इसको यहां से तोड़ दें, फिर जोड़ दें, तोड़ दें, फिर उसको सीधा करके फिर जोड़ दें। बोलिए, ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो ये काम किया एक एंजाइम ने, उस एंजाइम का नाम है टोपो आइसोमरेज ने। टोपो आइसोमरेज एंजाइम ने किया इस काम को, पहले इसको तोड़ा, फिर सीधा किया, फिर वहीं से जोड़ दिया, जोड़ दिया। अब मुझे कुछ कुछ बात समझ में आने लगी है। क्या समझ में आने लगी है भाई? समझ में क्या आने लगी है कि हेलिकेज एंजाइम ने इतना ओपन किया, देखिए हेलिकेज एंजाइम ने इतना ओपन किया, छल्ले बन गए, फिर उसके बाद इसको तोड़ के सीधा कर दिया, किसने? टोपो आइसोमरेज ने। अब तो डीएनए बनाने लायक हो गया, टेम्पलेट सीधा सा मिल गया कि नहीं मिल गया? बोलिए आफरा, मोहिनी। यस सर कोई बोल नहीं रहा है, मुझे लगता है मामला थोड़ा सा टप पड़ रहा है। और ये तो ये हमें मिल गया तो सीधा कर गया। अब मुझे एक बात समझ में आ रही है, हेलिकेज क्या करेगा? पहले इतना खोला है, टोपो आइसोमरेज से कहा सीधा करो, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये टोपो आइसोमरेज हेलिकेज इतना ओपन करेगा, फिर हेलिकेज कहेगा इसको सीधा करिए, टोपो आइसोमरेज से फिर ओपन होगा। तो एक बार में थोड़ा सा ओपन किया फिर सीधा हुआ, फिर ओपन किया फिर सीधा हुआ, फिर ओपन किया, कितनी बार में हुआ? एक दो तीन, मान लिया मैंने ये एक दो तीन, तो बताइए हाउ मेनी निक्स आर प्रेजेंट ऑन दिस रेप्लिकॉन? इस रेप्लिकॉन में कितने निक्स मौजूद हैं? बोलिए, जितनी बार में आप इसे ओपन, थ्री हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, ओके ना? तो अब ये सीधा हो गया है, ठीक कह रहे हैं ना? अब आपसे कहा जा रहा कि हेलिकेज आगे ओपन करेंगे, टोपो आइसोमरेज सीधा करेंगे, और ये चलता रहेगा। लेकिन एक समस्या है, एक समस्या है, वो ये कि ये जो स्ट्रक्चर आपको बनी है इसको कहते हैं वाई शेप्ड, वाई शेप्ड रेप्लीकेशन फॉर्क, वाई शेप्ड रेप्लीकेशन फॉर्क कहते हैं, वाई शेप्ड रेप्लीकेशन फॉर्क कहा जाता है। क्या कहते हैं? वाई शेप्ड रेप्लीकेशन फॉर्क। लेकिन एक प्रॉब्लम है, हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि ये डीएनए है,
याद करिए, ये डीएनए है, इसको ओपन कर दीजिए। और उसके बाद किसने इसको ओपन किया? हेलिकेज ने। फिर किसने इसको सीधा किया? टोपो आइसोमरेज ने। जैसे ही हेलिकेज और टोपो आइसोमरेज हटेंगे, ये वापस फिर अपने आप जुड़ जाएगा। इसको मैंने कहीं नाम दिया था एनीलिंग या रीनेचुरेशन, याद है? यस सर। एनीलिंग या रीनेचुरेशन कर लेता है, ये मैंने नाम दिया था। तो ये बताओ, आप कह रहे हो कि ये इसको हेलिकेज ने ओपन किया, टोपो आइसोमरेज ने सीधा किया, फिर उसके बाद हेलिकेज ओपन करेगा, टोपो आइसोमरेज सीधा करेगा, फिर हेलिकेज ओपन करेगा, टोपो आइसोमरेज इसको सीधा करेगा। बोलिए, ठीक है ना? तो आपको लगता है ये सीधा रह जाएगा? जैसे ही टोपो आइसोमरेज यहाँ से हटेगा, ये वापस फिर जुड़ जाएंगे आपस में। जैसे घर में होता है, छोटे भाई बहन लड़ाई कर लेते हैं, आप उनको जाते हैं कमरे में दूर दूर बैठा के चले आ जाते हैं और कहते हैं बोलना नहीं, लेकिन होता क्या है, थोड़ी देर बाद वो फिर बढ़ जाते हैं, आपस में मार कर लेते हैं। इसके लिए क्या तरीका है? आप वहां किसी को बैठा दें कि इन दोनों को देखे रहना, ये दोनों एक ना होने पावे। बोलो भाई। यस। एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में भी यही होता है, आपस में बतियाते रहते हैं, इन्विजिलेटर आता है, डांट के चला जाता है, जैसे ही वो उधर जाता है तब तक जो है फिर आप बतियाने लगते हैं, जब बहुत दुखी हो जाता है तो आके वहीं बीच में खड़ा हो जाता है, अब बतियाओ। बोलिए। तो हमें लगता है किसी को लगाना पड़ेगा कि ये आपस में एक न होने पावे। वो है, उसका नाम है SSB प्रोटीन। एक प्रोटीन है, क्या नाम है उसका? पूरा नाम सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंड स्टेबलाइजिंग, और सिंगल सॉरी स्टेबलाइजिंग इसका कॉमन नेम है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन कह लेते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन कहते हैं। पूरा नाम क्या हो गया? SSB। SSB का पूरा नाम बताइए, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग। ये प्रोटीन जाके इससे जुड़ जाएगी और इसको डबल स्टैंड होने से रोक देगी। बोलिए, ठीक कह रहे हैं? इसको डबल स्टैंड होने से रोक देगी। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? तो ये डबल स्टैंड होने से रोक देगा। तो वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बनाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? कौन कौन सा एंजाइम चाहिए? कौन कौन सा एंजाइम चाहिए बता देते? तीन चाहिए। एक चाहिए हेलिकेज एंजाइम, एक चाहिए टोपो आइसोमरेज एंजाइम, और एक और चाहिए, क्या नाम है? SSB। बोलिए बोलिए। दो सवाल का जवाब दीजिए, दो क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि रेप्लिकॉन के डीएनए के माउथ को ओरी साइड पे ओपन कौन करेगा? ओपन कौन करेगा? बोलिए, हेलिकेज। सुपर कॉइल्स का रिलैक्सेशन कौन करेगा? यानी वो टोपो आइसोमरेज। कैसे करेगा? बाय ब्रेकिंग एंड जॉइनिंग ऑफ द टेम्पलेट। पहले उसको तोड़ेगा, सीधा करेगा, फिर जोड़ देगा। बोलिए। अगर किसी रस्सी में बहुत लंबा ऐंठन आ जाए तो क्या करेंगे आप? उसको बीच से कट करके सुलझा के फिर उसको जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये काम किया। लेकिन इसी में सिंगल स्टैंड को सिंगल स्टैंड बनाए रखने में मदद किसने किया? SSB प्रोटीन। और ये बन गया, वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बन गया? वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बन गया? वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। मैं पूछूं, क्यों बना रहे हो ये सब? ये डिजाइन बनाने की क्या जरूरत थी?
तो आप कह दोगे कि इट इज टू प्रोवाइड सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट, टू प्रोवाइड सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट। बोलिए ये कार्यक्रम क्यों किया था आपने? इट इज टू प्रोवाइड द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट। इट इज टू प्रोवाइड द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट। ओके ना, बोलिए। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट को प्रोवाइड करने के लिए आपका मकसद क्या है बता देते हैं। आप चाहते हैं डीएनए बनाना, डीएनए बनाने के लिए डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए हासिल कर लिया। और कैसे हासिल किया? हेलिकेज, टोपोआइसोमरेज और एसएसबी की मदद से। ये क्वेश्चन आपसे कम से कम 5 बार नीट में पूछा जा चुका है कि व्हाई द वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क इज फॉर्म्ड। बताइए रीजन, बताइए आप ही बता दीजिए क्यों। बताइए सिंगल स्टैंडर्ड टू प्रोवाइड द सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट। ओके, अच्छा एक बार बताइए, एक बार में आपने पूरा क्यों नहीं ओपन कर लिया, टुकड़े टुकड़े क्यों ओपन कर रहे हैं? तो ये आप रीजन बता देंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नीडेड एंड सेल कैन नॉट प्रोवाइड एट वंस। ये फौरन ही पूरा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, धीरे धीरे ये ओपन होगा। ओके, बोलिए भाई। यस सर। चलिए अब आपको ये डीएनए इतना मिल गया, अब आगे ओपन होगा फिर मिल जाएगा। अच्छा अब आप क्या इंस्ट्रक्शन दोगे हमें, क्या इंस्ट्रक्शन दोगे ये बताइए, क्या कहोगे? ये अब दो ऑप्शन है, या तो डीएनए पूरा ओपन कर लें, डीएनए पूरा ओपन कर लें और फिर इत्मीनान से इस पे डीएनए रख के डीएनए बनाए, या एक काम और कर सकते हैं, क्या, जितना थोड़ा सा ओपन हुआ है उतना बनाते चलिए। जैसे आप लोग हैं कहते हैं जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो इत्मीनान से रिवाइज करेंगे। आपको लगता है कभी इत्मीनान हो पाएगा? कभी इत्मीनान आएगा? नहीं आएगा। आप जितना पढ़ते जाइए उतना रिवाइज करते जाइए, उतना पक्का करते जाइए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बोलिए आफरा। यस सर। तो इतना छोटा सा पार्ट डीएनए का ओपन हो गया है, आप डीएनए बनाना शुरू कर दीजिए, फिर इतना डीएनए बनाना शुरू कर दीजिए, फिर इतना डीएनए बनाना शुरू कर दीजिए। बोलिए भाई। यस सर। क्लियर है मेरी बात? यस सर। ये ना सोचिएगा कि पहले पूरा ओपन कर लेंगे फिर बनाएंगे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, करते चलिए। बात समझ में आई ना? तो डीएनए वाई शेप्ड रेप्लिकेशन फॉर्क और इससे। बोलिए। अच्छा एक काम और है कि वो जो इंटरनेट लगाने वाली पार्टी है वो मेरे सर पे खड़ी है, दरवाजे पे, तो लगता है आज मैं क्लास छोड़ दूं, थोड़ा फास्ट इंटरनेट के साथ कल आपको पढ़ाएंगे। ओके। यस सर। हेलो, ठीक है। अच्छा कल मैं क्लास 12 का फिर से क्लास लूंगा और वही 7:15 की टाइमिंग है। ओके ना, सब लोग सुन लिए? निशा। यस सर। ईशा। हिमांशु। यस सर। सिद्धार्थ। कल शाम को 7:15 मैं यही टॉपिक कंटिन्यू करूंगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? नो सर। सेम आईडी, सेम पासवर्ड। ओके। यस सर। चलिए तो कल 7:15 मैं क्लास लूंगा। ओके, आज मैं यही करूंगा और आज मैं ये नोट्स सबको भेज दूंगा, श्योर भेज दूंगा। ओके। यस सर, थैंक यू। आज मैं श्योर भेज दूंगा और देखता हूँ कि सबको कैसे मिल जाता है ये, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।
Oh, okay.